हेलो दोस्तों, जब भी आप वाइकिंग्स के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक हट्टा कट्टा पहलवान जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हो और सर पे एक सिंह हो वाला मुकुट हो, या जिसे हेलमेट भी कहते हैं। पर रियल लाइफ में वाइकिंग्स हॉर्न्स वाले हेलमेट पहनते ही नहीं थे। सिर्फ एक ऑथेंटिक वाइकिंग हेलमेट डिस्कवर हुआ था जिसके ऊपर कोई सिंह नहीं था। कहते हैं कि पेंटर्स ने ये ट्रेंड बनाया होगा 19th सेंचुरी में एंशियंट ग्रीक और रोमन लोगों के बारे में सुनकर। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको बिना सिंघों वाले मुकुट पसंद है या सिंघों वाले मुकुट पसंद है। वाइकिंग्स अपने दुश्मनों के सर कलम करने के लिए जाने जाते थे। तो आप सोचते होंगे कि वो बड़े अनहाइजीनिक रहते होंगे, उनसे बहुत गंदी बदबू आती होगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वाइकिंग साइट्स पर हुई एक्सकवेशंस में कई ट्वीजर्स, रेजर्स, कॉम्ब्स और एयर क्लीनर्स पाए गए हैं जो कि जानवरों की हड्डियों और एंटलर से बने हैं। और वाइकिंग हफ्ते में कम एक बार नहाते थे। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? लेकिन ये बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि बाकी यूरोपियंस के कंपेरिजन में वाइकिंग्स बहुत ज़्यादा नहाते थे। इनफैक्ट वो हॉट स्प्रिंग में डुबकियाँ लगाते थे। काफ़ी मज़ा आता होगा ना उन्हें नेचुरल हॉट स्प्रिंग में डुबकियाँ लगाते हुए। क्या आपको पता है दोस्तों, वाइकिंग्स अपनी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते थे, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करते थे। वाइकिंग्स के पास आग जलाने का एक स्पेशल लिक्विड था जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। वो फंगस कलेक्ट करते थे जो पेड़ पे उगता था, फिर उसे कई दिन तक यूरिन में बॉयल करते थे। यूरिन यानी कि पेशाब। पेशाब में कई दिन तक बॉयल होने के बाद वो लिक्विड तैयार होता था, वो स्पेशल लिक्विड जिसे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो उस लिक्विड को जलावन पर छिड़कते थे और हल्की सी चिंगारी लगा देते थे जिससे वो सुलगता रहता था, पर उसमें आग नहीं लगती थी। इस तरह से वो लंबे सफ़र में भी अपने साथ आग को ले जा सकते थे। जब ज़रूरत पड़ती आग जला देते थे। वह चीज़ों का सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। वाइकिंग सफर में आने जाने के लिए अपनी बोट्स का इस्तेमाल करते थे। वो अपनी बोट्स को इतना प्यार करते थे कि उसी में मरना चाहते थे। नहीं दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वाइकिंग्स का ऐसा मानना था कि जिस चीज़ ने उनकी इतनी मदद की, उनका सफ़र इतना आसान बनाया, वो उसी पर बैठकर अपनी आखिरी मंजिल तय करें। इसलिए जब भी कोई वाइकिंग मरता था, वो उस वाइकिंग को उसके बोट के साथ ही ज़मीन में दफना देते थे। क्या आपको पता है वाइकिंग मर्द खेती करते थे? हाँ, ये सच है कि कुछ वाइकिंग घर से बाहर निकलते ही थे दूसरे गांवों को लूटने, पर ज़्यादातर वाइकिंग मैन खेती करते थे। वो तलवार नहीं, हंसियाँ चलाते थे। वाइकिंग्स बारले, राई और ओट्स उगाते थे। कम से कम साल के कुछ महीने तो उगाते ही थे। क्या आपको पता है दोस्तों, वाइकिंग स्कीइंग भी करते थे। भले ही इस खेल को एंशियंट रशियंस ने पहले इन्वेंट किया हो, पर वाइकिंग्स इसका इस्तेमाल करते थे। वो इसका इस्तेमाल इधर उधर आने जाने के लिए करते थे, इससे उनकी काफ़ी एनर्जी बचती थी। वाह, कितना मज़ा आता होगा ना वाइकिंग्स को ऐसे स्कीइंग करने में। वाइकिंग्स को सुनहरे बाल बहुत पसंद थे। वो ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग साबुन यूज़ करते थे जिसमें लाई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे वो अपने बाल को ब्लीच करते थे। इससे एक और फ़ायदा होता था, उनके सर से जुएं खत्म हो जाते थे। आप सोचते होंगे कि वाइकिंग्स हमेशा ग्रुप में घूमते होंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वो तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। वो सिर्फ लड़ाई के वक्त एक साथ होते थे। उन्हें लड़ाई करने का इतना शौक था कि जब वो दूसरे गांव को लूटने में बिजी नहीं होते थे तो वो आपस में ही लड़ बैठते थे। अच्छा है, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको वाइकिंग्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।